नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर संघर्ष कर रहे राज्य, अदालत की केंद्र को फटकार। नासिक के अस्पताल में आंखों में आंसू लिए जवाब मांग रहे हैं परिजन, मामले में प्राथमिकी दर्ज। सीताराम येचुरी के पत्रकार बेटे आशीष येचुरी का कोरोना से निधन। वायरस से ज्यादा सरकारी दिशाहीनता ने मारा। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में रिकॉर्ड 314,835 नए मामले, एक दिन में सबसे ज्यादा 2104 मरीजों की मौत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि कोविड 19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे राष्ट्रीय राजधानी के उन अस्पतालों को फौरन किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराया जाना चाहिए जो इस गैस की कमी से जूझ रहे हैं। उच्च न्यायालय ने कहा, केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा? हम इस बात से स्तब्ध और निराश हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, लेकिन इस बात संयंत्र चल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जब तक ऑक्सीजन का आयात नहीं होता, तब तक अगर इस्पात और पेट्रोलियम जैसे उद्योग कम क्षमता के साथ करे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन अस्पतालों को चिकित्सीय ऑक्सीजन नहीं मिली तो तबाही मच जाएगी। अदालत ने कहा कि हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मरते हुए नहीं देख सकते। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने अवकाश के दिन इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के कंधों पर है। जरूरत पड़ी तो इस्पात और पेट्रोलियम समेत सभी उद्योग की सारी ऑक्सीजन की आपूर्ति चिकित्सीय उपयोग के लिए की जा सकती। महाराष्ट्र के नासिक के एक अस्पताल में भंडारण संयंत्र से लीकेज के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाने की घटना में दो मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 24 हो गई है। जिले के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी सूरज मंधारे ने बताया, दो और मरीज जो वेंटिलेटर पे थे उनकी शाम को मौत हो गई। दिन में टैंक में रिसाव से आपूर्ति बंद हो जाने के कारण उन्हें उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल सका। जाकिर हुसैन निगम अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने के बाद अपने परिजनों को खोने वाले लोग आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए हुए मातम मना रहे हैं। इस बीच सरकार ने इस मामले में प्राथमिक दर्ज कर परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले कोविड 19 के 22 मरीजों में से कुछ की हालत सुधर रही थी और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जाने वाली थी। अधिकारियों ने बताया था कि स्टोर रूम में रिसाव के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को 7 सदस्यीय कमेटी द्वारा घटना की जांच कराने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने बृहस्पतिवार को बताया कि उनके पुत्र आशीष का कोरोना वायरस के संक्रमण से निधन हो गया। आशीष येचुरी पेशे से पत्रकार थे और 9 जून को वह 35 साल के होने वाले थे। वह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में संक्रमण का इलाज करा रहे थे। उनके परिवार से जुड़े करीबी लोगों ने बताया कि 2 सप्ताह तक बीमारी से लड़ने के बाद बृहस्पतिवार को सुबह 5:30 बजे के करीब आशीष येचुरी ने आखिरी सांस ली थी। येचुरी ने ट्विटर पर लिखा, भारी दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कोविड 19 से आज सुबह मैंने अपने बड़े बेटे आशीष येचुरी को खो दिया। मैं उन सभी का, डॉक्टरों, नर्सों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों, सफाई कर्मियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें हिम्मत दी और उनका उपचार किया तथा संकट के समय में हमारे साथ खड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और अन्य लोगों ने आशीष के निधन पर शोक जताया है। पिछले साल 24 से 25 मार्च की मध्य रात्रि लॉकडाउन लगाया गया था तो देश भर में कोरोना के कुल 618 मामले थे और कुल मौतें 13 थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए किसी राज्य, स्वयं अपनी कैबिनेट या किसी विशेषज्ञ समिति से मशवरा भी नहीं किया था। कोरोना की दूसरी ज्यादा खतरनाक लहर में इस वक्त रोजाना 2,90,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं और मौतों की संख्या 2,000 से ऊपर है। इस बार प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन से इनकार किया। इससे स्वयं सरकार ने मान लिया कि कोरोना से निपटने की उनके पास न कोई रणनीति थी और न ही आज है। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं के अभाव में लोगों की जान जा रही है, पर सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। आज के हालात और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर आइए देखते हैं
क्या कहना है हमारे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन से देश को बचना है, यानी बचाना होगा, देश एफोर्ड नहीं कर सकता है लॉकडाउन। और उन्होंने तब कहा जब प्रतिदिन जो कोरोना केसेज आ रही हैं वो तकरीबन 2,94,000-95,000 के आसपास हैं, यानी 2,94,000-95,000। और जो डेथ हो रही हैं, जो मौतें हो रही हैं, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि ये आंकड़े सच नहीं हैं, वो हार्डली 2,300-2,400 बताया जा रहा है। तकरीबन 2,000 से ज़्यादा लोग, 2,300 कल आया था। तो ये जो आंकड़े हैं, अगर इनको ही केवल प्रामाणिक माना जाए तो भी दोस्तों आप याद कीजिए 2020 के मार्च महीने में, 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन किया था, इस देश की किसी भी राज्य सरकार से पूछे बगैर, कोई मशविरा किए बगैर, अपने कैबिनेट के मंत्रियों से भी मशविरा उन्होंने नहीं किया था, किन लोगों से मशविरा किया था आज तक इसका रहस्य उद्घाटन सरकार ने नहीं किया। लेकिन उस वक्त जब किया गया था तो अपने देश में कितनी केसेस थी, 25 मार्च 2020 को कोरोना की कुल केसेस थी 618, और मौतें कितनी हुई थी 13, और उस पर देशव्यापी लॉकडाउन। कल्पना कर सकते हैं आप कितनी तबाही मचाया था उस लॉकडाउन ने, सैकड़ों लोग मरे थे, वे मजदूर, वे गरीब लोग जो अपना काम धाम छोड़ करके गांव की तरफ भागने लगे, उनके पास कुछ भी नहीं था, न उनको मुहैया कराई गई ट्रेन ठीक से, न उनको बसेज मुहैया कराई गई, और उनको कोई मुआवजा भी नहीं किया गया मुहैया। तो आपने 618 लोगों की मौत के केसेस के बाद, 618 केसेस कोरोना की जब रिपोर्ट हुई थी, तो आपने देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया, और 2,95,000 केसेस जब हो रही हैं, 94,000 केसेज हो रही हैं, और मौतें प्रतिदिन 2,000 से ज़्यादा हैं, शायद ये संख्या और बढ़ जाए अगर प्रामाणिक ढंग से ज़्यादा सूचनाएं सही रिपोर्ट की जाएं, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तब आपने कहा कि लॉकडाउन बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए और ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। आपने राज्य सरकारों को कहा कि वो इसको न आजमाएं और दूसरे तरीके खोजें। एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही और मैं समझता हूँ कि वो काबिले गौर है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन कैसे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्या सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी है? हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, जांच नहीं हो रही है। मैं कई ऐसे प्रदेशों को गिना सकता हूं, लेकिन चूंकि आप अखबार में पढ़ चुके हैं ये सारी कहानियां, आप टेलीविज़न पर तो ये खबरें खैर नहीं आती हैं, लेकिन अखबारों में आती हैं, और जानते हैं कि भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र के कई प्रदेशों में इस वक्त कोरोना की जाँच को भी नियंत्रित कर लिया गया है। यानी अगर कोई पेशेंट लग उसको रहा है कि हमें कोरोना हो गया है, तो वो अगर जांच भी कराने जाता है तो उसे 4-5 दिन के बाद ही रिपोर्ट मिलती है, और कई बार तो उसको वापस लौटा दिया जाता है, जांच ही नहीं हो पाती है। तो ये स्थिति है उस दौर में जब वैक्सीन का मामला चल रहा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ऑक्सीजन पर बात करने के बजाय अचानक इन दिनों मैं देख रहा हूं टेलीविजन चैनलों पर, जिनका मिजाज एक खास तरह का है, वो रेमडेसिविर की बात वो लोग ज़्यादा कर रहे हैं कि ये इसकी खुराक कैसे मिलेगी, इसका इंजेक्शन कैसे मिलेंगे, इसको मुहैया कराया जाए, सब कुछ सरकार ने ठीक कर दिया है, अब ये इंजेक्शन उपलब्ध है। लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर गुलेरिया, और देश के और बड़े बड़े जितने डॉक्टर हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ओम शंकर, ये तमाम डॉक्टर्स जो देश के एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि रेमडेसिविर कोरोना का इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में इसकी प्रामाणिकता अभी तक साबित नहीं हो गई है, नहीं हुई है, क्योंकि ये दूसरे मामलों के लिए ईजाद किया गया था। और जो अभी तक भारत सरकार की जो टास्क फोर्स है कोरोना पर, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान,
उसके डॉक्टरों ने जो रिकमेंडेशन दिया है वो पब्लिक डोमेन में वो सारे के सारे रिकमेंडेशंस हैं, हम उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? हम लोगों को अस्पताल क्यों नहीं मुहैया करा रहे हैं? हम बेड और ऑक्सीजन वेंटिलेटर क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं? क्या अपनी विफलता को छुपाने के लिए दूसरे चीज़ों को उछाला जा रहा है? तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों, कई बार होता है कि पुराने ज़माने के राजा महाराजा हों चाहे आज के ज़माने के वे लोग जो निर्वाचित नहीं होते, जहाँ निरंकुश शासन है, तानाशाही है, उनको भी कई बार सच के सामने समर्पित होना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। फिर हमारे मुल्क में तो निर्वाचित सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं और वो भी 300 से ज़्यादा सीटें उनको आई हैं। लेकिन दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि जो आज हालात हैं, क्या आपको लगता है कि देश की निर्वाचित सरकार, जिसको जनता ने बड़े भरोसे के साथ चुना है, क्या उसके सरोकार, क्या उसके कंसर्न, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ इस देश के उस आवाम के साथ हैं, उसको बचाने की हैं, जो महामारी में दवाई के लिए अपने को कम से कम एक बेड पाने के लिए छटपटा रही है? आप जानते हैं, इस वक्त देश में न जाने कितने लेखक, बुद्धिजीवी, स्वयं डॉक्टर, इंटेलेक्चुअल, कलाकार, आम लोग, मिडिल क्लास के लोग, खाते पीते घरों के लोग तबाह हैं। वो मरने के लिए ऐसा लगता है कि अभिशप्त हैं। तो ये जो एक मृत्यु का बोध पूरे देश की बड़ी आवाम के हिस्से को जिस तरह से हो गया है, क्या इससे देश को मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सरकार को आगे नहीं आना चाहिए? और आखिर में बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 22 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पहली बार 3 लाख से ज्यादा यानी 3,14,835 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से लगातार छठे दिन भी रिकॉर्ड 2,104 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इस बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 1,78,841 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 1,33,890 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,59,30,965 हो गई है, जिनमें से 1,84,657 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट घटकर 84.45% हो गया है, यानी देश में कुल पीड़ित मरीजों में से अब तक 1,34,54,880 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। इसी के साथ देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 14.38% यानी 22,91,428 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 13,23,30,644 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 22,11,334 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 27,27,05,130 सैंपलों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 16,51,711 सैंपलों की जांच पिछले 24 घंटे में हुई है। आज के डेली ऑर्डर में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। Facebook, Instagram और Twitter पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।